अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे LG V50 का रिव्यू और PUBG टेस्ट, और इसके FPS भी टेस्ट करेंगे और इसके ग्राफिक्स भी चेक करेंगे। और ये मेरे पास जो मॉडल है ये है ड्यूल स्क्रीन में। तो दोस्तों, यही सब कुछ आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे और इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और इसका रिफ्रेश रेट क्या होगा और बैटरी टाइमिंग वगैरह और ये इसका फ़ोन लैग होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, यही सब कुछ आज हम इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं और मैं आपको ये बताऊंगा आपको ये बाइक करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको जो है ना ड्यूल स्क्रीन से सेपरेट कर लेते हैं और आपको बताता हूँ ये टर्मिनल इसके कहाँ लगे होते हैं और ये कैसे कनेक्ट होती है। तो दोस्तों, इसको पहले निकाल लेते हैं, ज़रा केयरफुल से निकालना पड़ता है। ये देखें, इसके बैक साइड पर ये जो तीन टर्मिनल नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो है ना LG के बैक साइड पे जो तीन टर्मिनल हैं इसके साथ मिल जाती है, तो इससे ये ड्यूल स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है। अगर आप एक साइड पे व्हाट्सएप चलाना चाहें तो व्हाट्सएप चला लें, और दूसरी साइड पे अगर आप यूट्यूब यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त फीचर था, और इसके साथ जो है ना केसिंग की ड्यूल स्क्रीन के साथ फ़ोन की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये 6GB 128GB मेमोरी में होता है सिंगल सिम के साथ। पाकिस्तान में तो ये नॉन PTA ही होते हैं, और ये जो है ना मेरे पास जो फ़ोन है ये है पैच फ़ोन। तो ये PTA पैच है क्योंकि ड्यूटी जो है ना हर कोई इंसान जो है ना पे नहीं कर सकता इतनी, क्योंकि इसकी कस्टम ड्यूटी भी ज़्यादा होती है, ये पैच में ही कस्टमर को मिलता है ज़्यादातर। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसका, पहले हम जो है ना इसके जो है ना फीचर्स जो से हैं चेक कर लेते हैं इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है। तो दोस्तों, आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये जो CPUZ ऐप है आप हर फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करें, इससे आपको हर फ़ोन की हर चीज़ का पता चल जाएगा। इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, इसके अंदर रैम कौन सी है, और इसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है। ये देखें, जैसे ही आप खोलेंगे आपको ये कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 855 2.84 GHz के साथ जो है ना इसका प्रोसेसर मिलता है, और ये 6GB रैम के साथ है और 128GB मेमोरी के साथ है। ये देखें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये ऐप एक ऐसी है जिससे आप इंस्टॉल करके आप हर फ़ोन की डिटेल्स आसानी से ले सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें सेटिंग में नहीं मिलता कि हमें ये मेमोरी कौन सी है और इसका स्नैपड्रैगन कौन सा है और इसका चिपसेट कौन सा है। तो ये एक बेहतरीन ऐप है, और इसके साथ ये हमें फ्रंट पे जो ड्यूल कैमरा मिल जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। तो दोस्तों, अब पहले हम कर लेते हैं अब इसका PUBG टेस्ट। तो दोस्तों, ये हो चुकी है हमारी PUBG ओपन, और हम कर लेते हैं जल्दी से इनको कैंसिल। और सबसे पहले हमें क्या कर चेक करना होता है, हमें पहले ग्राफिक्स ही देखने होते हैं। तो हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम खोलेंगे ग्राफिक्स। तो दोस्तों, ये देखें, आपको स्मूथ पर एक्सट्रीम मिलती है, यानी आप जो है ना ये PUBG 60 FPS तक खेल सकते हैं, 90 FPS बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, और ये 60 FPS का ही फ्रेम रेट है। और वायलेंस पे आपको भी एक्सट्रीम यानी 60 FPS तक मिलता है। और इसके बाद अगर हम HD की बात करें तो HD में भी देख लेते हैं, HD में भी हमें एक्सट्रीम मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। यानी HD में भी एक्सट्रीम मिलता है, और HDR में भी आपको एक्सट्रीम मिल रहा है, और Ultra HD डाउनलोड नहीं है। आई थिंक ये जो Ultra HD है ये 40 FPS तक सपोर्ट करता है, और UHD तो अभी आया ही नहीं है। तो दोस्तों, जल्दी से हम एक मैच लगाएंगे, मैच लगा के इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैं जो है ना पहले लगा लेता हूँ एक लिविक मैच, क्योंकि अरिना तो डाउनलोड ही नहीं है मेरा। तो दोस्तों, ये आ गया हूँ मैं अपने एक लिविक मैच के अंदर, और इसके जैरो की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और कोई भी जैरो डिले नहीं है। अक्सर डिवाइसेस मैंने देखी हैं जो जिनका जैरो जोन सा होता है वो डिले होता है काफ़ी, और ये बहुत ही स्मूथ गेम चल रही है, और वो कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं है। तो मैं जो है ना एक जो है ना ये मैच कंप्लीट करता हूँ और खेलते हैं इसमें कैसा फील होता है। तो दोस्तों, मुझे ये बिल्कुल भी जो है ना कहीं से भी कोई लैग वैग का कोई सीन नहीं हुआ। और आपको बता दूँ, आप अगर रैंक पुश करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है आपके रैंक पुश करने के लिए। और दोस्तों, मैं मैच खेल रहा था, और मैच में आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाता हूँ, और मैं बताता हूँ कि ये बिल्कुल भी ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। और मैं मैच खेल रहा था, बड़ा बेहतरीन खेल रहा था, और क्योंकि ये बॉट लॉबी थी मैंने सोची परफॉर्मेंस चेक करनी थी, ये कैसा है इसमें, ये मोबाइल कैसा है और आपके लिए ये कैसा है।
और मैं आपको बता दूं, ये हीटअप वगैरह भी नहीं होता और बड़ा ही बेहतरीन है। और मेरी ये इस मोबाइल की बैटरी जो है ना लो थी, यानी 9% बैटरी थी, 10% बैटरी थी। और मैंने जिस टाइम ये मैच कंप्लीट किया तो तकरीबन 6% बैटरी थी, और ये बिल्कुल जो है ना आराम से जो है ना बैटरी ड्रेन हो रही थी। कोई ऐसा जो है ना, हालांकि काफ़ी मोबाइल्स ऐसे होते हैं जो बैटरी लो पर जो है ना लैग फील होता है, ये ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। इस मोबाइल को बाई करने के बाद आपको कोई ऐसा लैग फील देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो सी प्राइस जो चल रही है वो पैच में ही मिलेगा, अगर आपको अगर मिलता भी है तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये का आपको ये इजीली आराम से ये फ़ोन जो है ना मिल जाएगा, मगर पैच में मिलेगा। डबल पैक तो ये मोबाइल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर आप OLX वगैरह से लेते हैं तो यूज़ में आपको ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में किसी ना किसी के पास जो है ना मिल जाएगा, किसी शॉप वाले के पास भी मिल सकता है आपको। ये 25 से 30 हज़ार रुपये का आप ये बिल्कुल आसानी से बाई कर सकते हैं, और ये बड़ा ही बेहतरीन फ़ोन है। आपको जो है ना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।